नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश कर दिया। केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद और चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभाने वाला ज्यादा है। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद और चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी सरकारी दावों और वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को देश की नई संसद में अंतरिम बजट केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3.4% होगा। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ज्यादा मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।